हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 10 एंड 11। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पञ्चरान्तम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंस। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्व। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्केनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्राद्रहो न परा करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिहवे पिबस्वा मृतुमे तदेव। गोविन्द दामो धर्माधवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया
मुधीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। अध्याय 16 पहला सिकंद, अध्याय 16 जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार कैसे किया। जब परीक्षित महाराज के विषय में सुत गोस्वामी ने बताया कि वो जब दिग्विजयी करके लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष जो है वो बैल और गाय के जोड़े के पर पाद प्रहार कर रहा था। तो शौनक मुनि ने बोला, देखिए प्रभु, आप जो बता रहे हो वो हमें कुछ रुचिकर नहीं लग रहा है। अगर वास्तव में ये कृष्ण कथा से संबंधित है तो हमें बताइए, अन्यथा हमें इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति कौन था और क्यों प्रहार कर रहा था और महाराजा परीक्षित ने कि क्यों उसको प्राण दंड नहीं दिया, खाली उसको छोड़ कैसे दिया। ये सब हमें तभी बताइए। तत्कथया महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। और उसके बाद सोनिक मुनि ने आगे भी कहा कि अथवास्य पदाम्बुज मकरंद लिहां सताम किमन्ये रसदालाप आयुषो यद सत्वय। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के आदि हो जाते हैं और उनको उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो बहुमूल्य जीवन की को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। तो मानो शौनक मुनि ने कहा, अब हमें जब से भगवान की कथाओं श्रवण में आसक्ति हो गई है, भगवान के चरणों के मधु को टेस्ट कर लिया है, अब भौतिक वस्तुओं के बारे में और किसी भी वस्तु के विषय में श्रवण करते हैं तो क्या लग रहा है, जैसे कि हम अपने असत्वय अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा, क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतम इच्छताम इहो बहुतो भगवान मृत्युषामित्र कर्म भी। देखिए सुत गोस्वामी, जो मृत्यु से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं और उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्या क्रिया से बच जाते हैं। यानी कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे तो हम मृत्यु से बच जाएंगे और हम इसलिए यमराज को यहाँ पर आमंत्रित करके भगवान की कथाओं को श्रवण कराएंगे तो इसी से हमारा लाभ होगा। और आगे कहा, न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्त इहांतक एतदर्थं हि भगवान् आहूत परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वच। न कश्चिन् प्रियते तावत्, यानी कि जब तक
सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। तो ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रित यमराज को आमंत्रित किया है यहाँ पर, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत के श्रवण करके लाभ उठाना चाहिए। अब लोगों को क्या करना चाहिए? ये जो वार्ता है शौनक मुनि और सूत गोस्वामी के बीच में, उसको श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस वार्ता को सुनते रहेंगे तब तक मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिखार सकेगी। लेकिन वीर भी आगे कहते हैं, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वे निद्रया हिन्यते नक्तम देवाच व्यर्थ कर्म भी। लेकिन आज के लोग, इस कलयुग के लोग मंद बुद्धि हैं, बुद्धि नहीं उनके पास, आलसी हैं, और कम बुद्धि होने के कारण वो पूरा दिन तो व्यर्थ के कर्मों में लगा देते हैं और रात में सोते रहते हैं और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते। परंतु हम तो केवल कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहते, तो यदि यह कृष्ण कथा से संबंधित है तो आप हमें बताइए। इतना सुनने के बाद असूत गोस्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं, सूत उवाच यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां तत शरासनं सौ युगशुंडिरा दधे। यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत कलिम प्रविष्टिम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां तत शरासनं सौ युगशौंडिरा दधे। शब्दात् सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, यदा परीक्षित, यदा मतलब जब, परीक्षित यानी परीक्षित महाराज ने कुरु जांगले वसत, कुरु जांगले यानी कुरु प्रदेश की राजधानी में अवसत रहता था, कलिम यानी कलयुग के लक्षण, जब महाराज परीक्षित ने कुरु राजधानी में कलयुग के लक्षण को देखा, प्रविष्टम यानी प्रविष्ट किया, उन्होंने देखा कि अब कलयुग आ गया है, तो निज चक्रवर्तिते यानी अपनी सीमा में निशम्य, इस तरह सुनकर उन्होंने ऐसा सुना कि अब कलयुग हमारी सीमा में आ गया है, तो इसी वार्ता को सुनकर उनको अनति प्रियम मतलब अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रिया मतलब बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, अधिक रोचक नहीं लगा। मतलब जब उसने सुना परीक्षित महाराज ने कि कलयुग हमारी सीमा में प्रवेश कर चुका है, तो उन्हें अनति प्रियम अधिक रोचक नहीं लगा। अधिक रोचक क्या लगेगा, उन्हें तो बिल्कुल रोचक नहीं लगा होगा, कि ये बात कैसे उनको अच्छी लग सकती है कि कलयुग हमारे राज्य में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, ततः शरासनम कहते हैं धनुष और बाण। ज्यादा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा चलो ठीक है, क्योंकि एक क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय उनके खून के अंदर ऐसा होता है कि कोई शत्रु होगा ना तो मैं उसके साथ युद्ध करूं और जो अधर्मी है उसको हराऊं। जैसे ब्राह्मण को अपने शास्त्रों से प्रेम होता है, वैसे ही क्षत्रिय को अपने शस्त्रों से बहुत प्रेम होता है, और वो यदि सदैव यह सोचता है कि कोई टक्कर का व्यक्ति मिले अधर्मी हो तो उसके साथ युद्ध करके उस अधर्म का विनाश किया जाए, मतलब ऐसा ये चाहते नहीं है, वो ये चाहते अधर्मियों का नाश करने के में काम आओ, तो इसके लिए युद्ध के लिए वो सदैव तत्पर होते हैं। तो भले ही
वो उस कलयुग को देखकर उन्हें ज्यादा रोचक नहीं लगा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि चलो अभी युद्ध करके इसको हराऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, ततः यानी तत्पश्चात शरासनम यानी धनुष और बाण संयुग अवसर पाकर शौंडी वीरोचित कार्यकलाप आददे ग्रहण किया। यानी क्योंकि वो वीर थे तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, तो उन्होंने फौरन से धनुष और बाण उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अनुवाद देखिए, सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित गुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश करते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रीति से कलयुग के लक्षणों को सुनाएंगे, कृपया ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन जब उन्हें समाचार मिला कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। तो कलयुग के लक्षण क्या है, ये इस प्रकार है। नंबर एक, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। नंबर दो, मांस भक्षण की लत। नंबर तीन, मादक द्रव्य सेवन यानी नशा। तथा नंबर चार, द्युत क्रीड़ा में रुचि। यहां श्री प्रभुपाद जी ने कलयुग के चार लक्षण बताए। वैसे तो महाराज परीक्षित अपने राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, ये सब जो मांसाहार मादक द्रव्य का पान और अवैध संग और ये द्युत क्रीड़ा, ये सब उससे पहले नहीं होते थे। महाराज परीक्षित के राज्य में ये सब नहीं होता था, लेकिन उन्हें ये सब पता चला कि अब थोड़ा थोड़ा ये कलयुग के लक्षण जो हैं वो हमारे राज्य में आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा, मैं इस कलयुग के लक्षणों को ही मिटा दूंगा, उस कलयुग को ही मिटा दूंगा जिसके कारण ये लक्षण मेरे राजधानी में आ रहे हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार की कलह से के मुख्य कारण है। कलह का मतलब होता है झगड़ा, फसाद, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना। और श्री रूपा जी बोलते ये फसाद की जड़ ये चार चीजें हैं, या तो स्त्री या मांसाहार या नशा या फिर द्युत क्रीड़ा, इसी के कारण कलह होता है। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतएव वे चाह रहे थे कि शांति के ऐसे कारणों को अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराज परीक्षित के राज्य काल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण एक तरह से अज्ञात थे और जो ही उनका पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचि करने लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता ना थी क्योंकि वे सभी उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन करें। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही परम प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क
आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। जैसे आजकल लोग यही कहते हैं, अब क्या करें, कलयुग आ गया है तो ये सब तो सहना पड़ेगा। ये कोई तर्क नहीं है, ये तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, ऐसे तर्क केवल आलसी लोग ही दे सकते हैं। जो वास्तव में वीर होते हैं वो इन समस्त कलयुग के जो लक्षण हैं उनको मिटाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यंभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंडों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे और यह ठीक ही था कि महाराजा परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब महाराजा परीक्षित ने सोचा, जो जो ये कार्य करते हैं, कौन से कार्य, अवैध संघ, मांस आहार, नशा और द्यूत गिरा, तो क्योंकि कलयुग के लक्षण हैं, तो फिर जो जो ये कार्य करेंगे तो उनको दंडित किया जाएगा और फिर जो साधारण जनता है उनको इन से बचाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग आ गया है तो सब सोचें कि भाई अब कलयुग है तो फिर हम कलयुग में रह रहे हैं तो हमें ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए, मतलब कर सकते हैं, अभी क्या करें, युग ही ऐसा है। नहीं, श्री प्रभुपाद जी जैसे कितना अच्छा बता रहे हैं कि जब बारिश आती है, वर्षा ऋतु में बारिश तो आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग बारिश में गीले हो जाएं और बीमार हो जाएं। वो बारिश से बचने के लिए प्रबंध करते ना, छाता उठा के चलते हैं ताकि वो बारिश में भीगे नहीं और बीमार ना हो, है ना। उसी तरह से भले ही कलयुग में हम सब रहते हैं परंतु हमें कलयुग से स्वयं को बचाना है, क्योंकि अगर हम कलयुग की चपेट में आ गए तो फिर दंडित हो जाएंगे और फिर बहुत ही दुष्कर्मों के कारण हमें बहुत सारे नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कलयुग आ गया है तो अपराध होना अवश्य है। कलयुग आ गया है तो भी हमें शास्त्रों के अनुसार उन अपराधों से बचना चाहिए जो कि मना किए गए हैं। इसीलिए देखो, जैसे हम आते हैं कृष्ण भावना, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना अमृत में कभी भी समझौता नहीं किया। हालांकि वो ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में गए थे जहां पर उनको पता ही नहीं था कि अवैध स्त्री संघ के बगैर भी संभव है कि जिया जाए। उनको पता भी नहीं था मांसाहार के अतिरिक्त और कुछ भी खाने योग्य वस्तु होती है। उनको ये खबर ही नहीं थी कि नशे के बगैर भी इंसान आनंदित रह सकता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हमेशा ये बताते थे कि आप कृष्ण भावनामृत को तभी ग्रहण कर सकते हो जब इन चार नियमों का पालन करो, है ना। चार नियम, मांस ना खाना, जुआ ना खेलना, अवैध स्त्री या पुरुष संग ना करना और नशा ना करना, ये चार चीजें अवश्य भक्ति में आने से पहले छोड़नी होती है। यही पहला स्टेप है और उसके बाद दूसरा स्टेप है नाम जप करना। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जब तक हम इस कलयुग में रह रहे हैं, जब तक हमें कृष्ण प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक इन समस्त कलयुग के लक्षणों से स्वयं को बचाना है ताकि कृष्ण प्राप्ति करना संभव हो सके। क्योंकि इस कला के इन सब अवगुणों के कारण ही हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं। तो जब हम इन सब चीजों का त्याग करेंगे तो फिर अवश्य हम कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में उन्नति कर सकेंगे। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, स्वलंकृतम श्याम तुरंगयोचितम रथी मृगेन्द्र ध्वजमाश्रित पुरात वृतो रथाश्वत विपपत्ति युक्तया स्वसेनयादिक विजयाय निर्गतः
स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथिं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वत् विपपत्तियुक्तया स्वसेनयादिक विजयाय निर्गतः स्वलंकृत श्याम तुरंग योजिता। स्वलंकृत मतलब बहुत अच्छी तरह से सजा है। श्याम, श्याम मतलब जो काले रंग के, तुरंग यानी घोड़े, योजिता यानी जुते हुए, रथम रथ को। तो महाराजा परीक्षित के जो रथ थे, रथ था जो, उनके घोड़े के रंग काले, काले रंग के घोड़े थे, उनसे उनको डेकोरेट किया गया। और मृग इंद्र, मृग इंद्र का मतलब होता है जानवरों का बादशाह, कौन, सिंह। ध्वजम, उनकी ध्वजा जो थी उस पर सिंह का चिन्ह लगाया हुआ था। अब देखो यहाँ से हमें वो सीन याद आता है जब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन के रथ को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ रहे होते हैं। और उस समय भगवत गीता में बताया जाता है कि ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती चंदन स्थितो, उनका रथ कैसा था, श्वेतैर्हयैर्युक्ते, उनके रथ के घोड़े जो थे वो सफेद थे, श्वेत थे। और यहाँ पर उनके पौत्र परीक्षित के रथ के घोड़े कैसे हैं, श्यामा तुरंग योजितम, अर्थात काले कलर के थे। अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा थी उस पर मारुति हनुमान जी का चिन्ह था। और यहाँ पर मृगेंद्र ध्वजा, मृगेंद्र मतलब सिंह। लेकिन श्री प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे कि ये कोई साधारण सिंह नहीं था, ये नरसिंह था जो कि परीक्षित महाराज ने अपनी रक्षा के लिए नरसिंह भगवान का यहाँ पर चिन्ह लगाया था, ध्वजा लगाई थी। और आगे वृतो रथाश्व, वृतो का मतलब होता है गिरे हुए थे, वो स्वयं सफेद कलर के घोड़ों वाले रथ पे बैठे हुए थे और उन पर सिंह का चिन्ह लगा हुआ था ध्वजा पर। और उसके साथ साथ में रथ, बहुत सारे रथों से वो गिरे हुए थे। अश्व, अश्व मतलब जो घोड़े वाले रथ हैं उन पर द्वीपपति यानी हाथियों, हाथी वाले जो रथ हैं उन पर। और युक्तया, इस तरह सुसज्जित स्वसेनया, और पैदल जो सेना के साथ दिग्विजया, जीतने के लिए निर्गत बाहर गए थे। इस तरह से अनुवाद देखिए, महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए, उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह बना हुआ था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वरोहणियों, रथियों तथा पैदल सैनिकों से गिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। मतलब जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारे राज्य में कलयुग आ गया है, तो सारी दिशाओं की ओर वो गए और दिग्विजय प्राप्त करने के लिए गए, प्रस्थान किया। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के ना होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था। महाराज परीक्षित जैसा राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत ही सुहावना लगने वाला था। लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था, यानी युद्ध के लिए जा रहे थे और अच्छा लग रहा था बहुत ये जुलूस। लेकिन याद आ रहा है उस समय जब युद्ध के लिए उनके पितामह जा रहे थे, और सबसे ज्यादा सुंदर बात उस रथ की ये थी कि उनके सारथी स्वयं भगवान थे। तो ये कुरु, ये जो पांडव वंश है वो सदैव
स्वलंकृत, सदैव स्वलंकृत जाते हैं युद्ध में, और आज स्वयं परीक्षित महाराज ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भक्तों, ये वही हैं जिनके इस भौतिक जगत में आने से ही पहले भगवान ने जिनको गर्भ में दर्शन दिए, कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े योगी तपस्वी ध्यान लगाते हैं, करोड़ों करोड़ों सालों तक तपस्या करते हैं, फिर उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, और ये कैसे महान राजा हैं जिन्होंने न जाने कितने पुण्य किए होंगे जन्म जन्मांतर से। ये भगवान के पार्षद हैं जिनको भगवान ने इस भौतिक जगत में आने से पहले बगैर किसी तपस्या के माता के गर्भ में दर्शन दिए, और आज ये महान योद्धा कलयुग पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सुत गोस्वामी बता रहे हैं, हरे कृष्णा, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।